जो बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, आपको बता दें कि थाना हाईवे इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर विश्व लक्ष्मी नगर में तीन हथियारबंद बदमाशों ने वकील और की पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां की घटना है, वकील और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें लूटा है। लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, मथुरा की ये घटना है, हाईवे के पास ये घटना हुई है, जहां पर तीन हथियारबंद बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वकील और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूटे हैं। हथियारबंद बदमाशों ने, बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। थाना हाईवे इलाके का ये पूरा मामला है जहां की ये घटना है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हथियारबंद बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। वकील और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट की है। लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूटे हैं बदमाशों ने। तो थाना हाईवे इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर इस पूरी घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। तीन हथियारबंद बदमाश उस वक्त बताए जा रहे थे जिस वक्त ये घटना हुई। अंजाम दिया है। मौके से बदमाश फरार हो चुके हैं। पुलिस हालांकि मौके पर मौजूद है और घटना की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। थाना हाईवे इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर लक्ष्मी नगर में तीन हथियारबंद बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वकील और पत्नी को बंधक बनाकर, वकील और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूटे हैं। और संवाददाता राजेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। राजेंद्र, क्या जानकारी है? जी आपको बता दूं, मथुरा में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। बदमाश आए दिन लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ताजा मामला मथुरा के थाना हाईवे इलाके के दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेकिन विश्व लक्ष्मी नगर कॉलोनी का सामने आया, जहां बदमाशों ने वकील के घर में दिन दहाड़े घुसकर वकील और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपया की नकदी जेवरात तो अन्य कीमती सामान लूट कर ले गए। बदमाश दो घंटे से अधिक समय तक निर्द्वंद होकर मकान के अंदर लूटपाट करते रहे और उसके बाद बदमाश भाग जाने में सफल हो गए। जब इलाका पुलिस पूरे मामले पर पलड़ा डालने का प्रयास कर रही है, घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी पहुंच कर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। जी राजेंद्र, कुछ पता चल पाया कि कितने बदमाश उस वक्त वहां पर मौजूद थे? इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है? जी निश्चित रूप से जैसा हमारी प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई है और पीड़ित वकील का कहना है कि तीन हथियारबंद बदमाश नकाब को जिनके चेहरे ढके हुए थे वो घर के अंदर अचानक प्रवेश कर गए। उन्होंने हथियारों के बल पर वकील और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद बदमाश निर्द्वंद होकर गोदरेज की अलमारी में रखे कीमती सामान, लाखों रुपए की नकदी व अन्य कीमती सामान लूट कर ले गए। बदमाशों ने लगभग दो घंटे से अधिक समय का लूटपाट की, उसके बाद बदमाश भाग जाने में सफल हो गए। बस मुश्किल से पीड़ित वकील ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, तब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे हैं। इलाका पुलिस इस पूरे मामले पर पलड़ा डालने का प्रयास कर रही है। जी जी राजेंद्र, एक बड़ी घटना है, दिन दहाड़े इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। क्या पुलिस की तरफ से कोई टीमें बनाई गई है बदमाशों की खोज के लिए? जी निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाका पुलिस जो कि थाना हाईवे इलाका पड़ता है, थाना हाईवे पुलिस इस पूरे मामले को पलटा डालने का प्रयास कर रही थी। जब पीड़ित वकील ने इस मामले की सूचना मथुरा के एसएसपी व एसपी सिटी को दी, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे हैं। पुलिस के अधिकारियों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की है तो उनका साफ कहना है हम पूरे मामले की छानबीन के बाद ही कुछ बता पाएंगे। निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है, इससे वकीलों में भी काफी आक्रोश और गुस्सा बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम आपको बता दें कि ये मथुरा का पूरा मामला है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तीन हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूटकर इस घटना को अंजाम